महाराष्ट्र के नासिक में एक अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से 22 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। घटना नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल की है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि अस्पताल में पहले ऑक्सीजन का वाल्व खुला रह गया था, जिसे बंद करने के चक्कर में वेंटिलेटर वाले मरीजों की भी ऑक्सीजन सप्लाई ठप हो गई। इससे 22 मरीजों ने तड़प कर दम तोड़ दिया। इस दौरान वेंटिलेटर पर कुल 23 मरीज मौजूद थे। इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जांच के आदेश दिए हैं और मरने वालों के लिए 5-5 लाख रुपयों का मुआवजा घोषित किया है।